हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल साइड। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। आज मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है ना। निफ्टी में 2 बजे के बाद, मतलब अराउंड 2:30 बजे एक मोमेंटम आया, बट मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, तो मैं फिर ज़्यादा देर बैठा नहीं, उठ गया। एक वीडियो मैंने, मतलब एक जो ट्रेड लिए थे उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, छोटा सा 1 मिनट का, ठीक है। जैसा मैंने बोला था एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट वैसा ही रहा। तो बट अभी हम चलते हैं, देखते हैं कलामा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बट उसके पहले, अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ भी डाउट रहता है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। होप सो गाइस, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन दैट टू के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो अभी तो FIDA का डेटा ओपन नहीं हुआ, ये पुराना है, मैं देख रहा था कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेयरिश ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि FI इस बाइंग भी कर रही है तो कुछ खास नहीं कर रही, बट जो सेलिंग की है प्रीवियसली, पुराना 10-15 दिन का डेटा, सेलिंग बहुत हैवी है, ठीक है। बट ठीक है, ये इसका भी उतना रोल काल है नहीं है। हम अभी मेन अपने एनालिसिस पे चलते हैं, प्राइस एक्शन पे। होप सो गाइस दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ऊपर दैट के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे एक हैमर काइंड ऑफ बना दिया है एंड निफ्टी एक नेगेटिव दिख रहा है अभी अच्छे से, ठीक है। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो थोड़ा उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं यूजुअली ज़्यादा इंडेक्सेस में नहीं ट्रेड करता हूँ, बट हाँ फिन निफ्टी में देख लेता हूँ फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, क्योंकि कई बार बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। बट ध्यान रखना, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली बैंक फिन निफ्टी में ट्रेड करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, उसको सेलर्स फ्लैट वो कर देंगे एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी को फ्लैट कर देते एक्सपायरी के दिन और निफ्टी को फ्लैट कर देते एक्सपायरी के दिन, तो ये ध्यान रखना। बाकी 12 बजे आप देख सकते हो, एक मैंने सेटअप दिया है पुराना, आप जाके देखो, मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, आपको वीडियोस में, ठीक है। बजट डे के दिन दिया था, वो वीडियो देख लेना जाके। अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी। सिंपल सा है, 46,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं सेलिंग, सॉरी बाइंग साइड के लिए नहीं देखूंगा। 46,000 पे एक अच्छी खासा रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता तो एक हमको एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। दैट टू के 46,050 के ऊपर जब एक पुल बैक मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन हम अपसाइड के लिए देखेंगे, जिसमें हमको 46,800, मतलब बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं, बट ओनली वेन इट विल क्रॉस 46,000, क्योंकि जब पैनिक का सिनेरियो बनेगा और जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी सेलर्स बैठे हैं, वो भागना चालू करेंगे। इंडिया विक्स देखेंगे अराउंड 15 के ऊपर है, स्टिल नॉट फॉर बायर्स, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, बट हम OTM में ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान से करना, अगर ऐसा मार्केट हल्ट हो गया OTM में तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाते हैं, ठीक है। डाउन साइड के लिए आज के दिन का लो, ये जो लेवल है ना बैंक निफ्टी में, ये देखो मार्केट प्रीवियसली भी इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, आज फिर से यहीं पे क्लोजिंग कर दी। इसके नीचे अगर जाता है, ऑलरेडी 50 EMA के नीचे मेरे लिए नेगेटिव है, अगर इसके नीचे भी जाता है देन मेरे लिए बड़े टारगेट्स ओपन होके आ रहे हैं, 45,200 तक के टारगेट्स। सो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कहीं पर भी ओपन हुआ, जब तक 50 EMA के ऊपर नहीं मिलेगा मेरे को, मैं बाइंग साइड के लिए नहीं जाऊंगा। ये 200, ये 250 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसको निगलेक्ट कर दो। मार्केट साइडवेज ओपन होता है, यहाँ पे वर्क करके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन होता है देन हम सेलिंग साइड के लिए देखेंगे, बहुत बड़ा, मतलब अगर गैप अप ओपन हो गया देन 50 EMA विल वर्क एज अ सपोर्ट, फिर इसके नियर बाई हमको प्राइजेशन के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं जस्ट अ मिनट गाइस। होप सो गाइस दिख रहा होगा निफ्टी, निफ्टी ने डे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनाई है। मैंने बोला ना मार्केट साइडवेज था, मैं थोड़ा देर बैठा, फिर जब ये मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं बैठा ही नहीं था, ठीक है। डाउन साइड में एक्जैक्टली 50 EMA के नीचे क्लोजिंग कर दिए और यहाँ पे निफ्टी अप सपोर्ट बना रहा है प्रीवियसली, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 21,700। 21,700 के नीचे देखेंगे हम एक पुल बैक के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि अभी नेगेटिव हो चुका है निफ्टी, नेगेटिव हो चुका है, इतना बड़ा सेल ऑफ आ गया। बाइंग साइड के लिए देखेंगे, बाइंग साइड के लिए जब ही देखेंगे, जब ये वाला, ये जो यहाँ से हैवी सेलिंग आई ना 21,900, इसके ऊपर ही बाइंग साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि 50 EMA का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और ये लेवल क्रॉस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हो गए कई लोगों के, ठीक है। तो इन लोग के ऐसे लेट होंगे, पैनिक बनेगा और फिर मार्केट अपसाइड के लिए शूट कर सकता है। दैट टू का अभी दोनों बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों नेगेटिव ही शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी चलिए हम एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं कल के लिए। कल मैं भी इंटरेस्टेड हूँ फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अच्छे लेवल पे, ये देखो फिन निफ्टी इसी लेवल पे एक दो तीन बार हिट कर चुका है, ठीक है। ये एक लेवल बन चुकी है इसकी, 22, सॉरी 20,200। अब अगर इसके नीचे मिला
जब तक 50 MA के ऊपर ही मैं बाइंग साइड के लिए बुलिश होऊंगा, इसके नीचे मैं नेगेटिव साइड के लिए ही ट्रेड सर्च करूंगा। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? क्योंकि एज पर प्रीवियसली डेटा देखें तो जो FISDIs है ना वो भी स्टिल नेगेटिव है इन द मार्केट। सो अगर ये 20,200 ब्रेक करता है, एक पुल बैक मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन डाउन साइड के लिए देखेंगे 20,000 विल बी आर नेक्स्ट सपोर्ट और टारगेट हो सकता है। अपसाइड के लिए तो 50 EMA ब्रेक होने दो और जो भी दिन का हाई रहा है प्रीवियस डे हाई का, मतलब 20,780 समथिंग फिन निफ्टी में दिख रहा है। सो कैसे आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो भी एनालिसिस आपके साथ शेयर किए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना जो मैंने आज सुबह डाला है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।